सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो गेमर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड गेमिंग वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। Yo, what's up guys, कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो गाइज आज की जो वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से PUBG मोबाइल लाइट का लैग फिक्स कर सकते हैं। यानी कि जो गेम आपका अटक अटक कर चलता है, 60 FPS नहीं आते, फोन भी बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, उसी सब चीजों का सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद जो आपकी गेम का लैग है, जो आपकी गेम अटक अटक के चलते है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी एंड आप सभी लोग गेम एकदम स्मूथ खेलकर बहुत ज्यादा किल्स भी कर पाओगे। अब सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि बंदे ज्यादा किल्स इसी वजह से कर पाते हैं क्योंकि उनका गेम भी स्मूथ चलता है। क्योंकि यार आप कितना भी अच्छा खेल लो, अगर आपका गेम लैग होएगा ना, मतलब कि गेम अटकेगा, तो यार आप तो बंदों से मर ही जाओगे। तो सबसे मेन चीज होती है, सबसे पहले हमारा गेम जो अटकना नहीं चाहिए, गेम एकदम स्मूथ चलना चाहिए। तो मैं आप सभी लोग को बता दूं कि अगर आपके पास 1GB रैम का फोन है और 2GB रैम का फोन है, तो आपके फोन में गेम एकदम अच्छे से चल जाएगा, मतलब कि बिल्कुल लैग खत्म हो जाएगा। पूरा 100% तो नहीं हो सकता, क्योंकि यार इस गेम में थोड़ा बहुत लैग जो है पहले से है, पबजी का वो ग्लिच है, जो भी आप कह सकते हैं। क्योंकि पबजी में भाई ये चलता ही आ रहा है कि अगर बंदे आएंगे तो वो गेम लैग मारेगी। अब ऐसा क्यों है वो मुझे नहीं पता, बट आप कितना भी अच्छा फोन ले लो वो चीज होती होती है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपके पास 3GB रैम का फोन है, फिर 2GB रैम का भी फोन है, लेकिन प्रोसेसर अच्छा है, तो आपका जो मोबाइल गेम का लैग है वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा 100%। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड मुझे कमेंट में जाकर ये प्लीज यार जरूर बताना कि इस वीडियो को देखने के बाद, इस मतलब जो मैं आपको बताऊंगा उसको करने के बाद आपका लैग फिक्स हुआ या फिर नहीं हुआ, ये चीज मुझे जरूर बताना। क्योंकि अगर आपका लैग फिक्स नहीं होगा तो मैं एक नया सॉल्यूशन ढूंढूंगा इसको फिक्स करने का, अदरवाइज हम इसको यहीं पर खत्म करेंगे। ओके, तो गाइस बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस आ चुके हैं हम लोग अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो गाइस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, तो वहां पर से जाकर आपने उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। उस एप्लीकेशन का नाम है GFX टूल। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है एंड जो जो भी सेटिंग्स मैं इस एप्लीकेशन के अंदर करूंगा, सेम टू सेम आपने भी वही सेटिंग्स करनी है। तो बिल्कुल ध्यान से देखना जो जो मैं इसके अंदर करना चाह रहा हूं एंड मेरी बातों को भी ध्यान से सुनते रहना। ओके, तो गाइस ये जो जितनी भी सेटिंग्स है ये एकदम लो एंड डिवाइसेस के लिए है, तो यहां पर हम सब कुछ लो कर देंगे, रेजोल्यूशन भी लो कर देंगे, लेकिन एक बात याद रखना, जो FPS होते हैं फ्रेम्स पर सेकंड, उसको आपने रखना है एकदम हाई। अगर आप FPS का रख दोगे 60 तो आपका गेम जो है बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि मेन जो गेम की स्मूथनेस होती है वो डिपेंड करती है आपके FPS पर, फ्रेम्स कितने आ रहे हैं हमें पर सेकंड में। तो हमें भाई यह 60 फ्रेम चाहिए, जितने ज्यादा फ्रेम आएंगे उतनी स्मूथ आपकी गेम चलेगी। तो PUBG मोबाइल में और जो है लाइट में मैक्स FPS जाता है 60, तो हम 60 यहां पर सेट कर देंगे और उसके बाद जो जो मैंने आपको सेट करके दिखाया सेम टू सेम आपने भी यही कर देना है। एंड उसके बाद जब ये सब आपका कंप्लीट हो जाए, जब भी आप सब कुछ सेट कर लो, तो आपने यहां पर रन गेम कर देना है। रन गेम करने के बाद आपको एक ऐड दिखेगी, ऐड दिखने के बाद आपने सब कुछ जो जो करा है मैंने सेम टू सेम आपने भी ऐसे करते ही जाना है। एंड उसके बाद जब आपकी गेम ओपन होगी तो आप वहां पर नोटिस करेंगे कि पहले से आपको ज्यादा FPS मिलेंगे, यानी कि जो आपकी गेम है वो पहले से ज्यादा स्मूथ हो पाएगी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, फोन तो वही का वही है, ऐसी क्या सेटिंग्स होगी जिससे गेम स्मूथ जाती है। तो भाई मैं आप सभी को बता दूं कि PUBG मोबाइल क्या करते हैं, मतलब PUBG मोबाइल लाइट में क्या किया गया है कि हमारे जो FPS होते हैं वो PUBG मोबाइल वाले लॉक कर देते हैं, जिससे कि हमारा प्रोसेसर ज्यादा यूज ना हो। और ये जो GFX टूल होते हैं ये सब क्या करते हैं, उसे पूरे 60 FPS प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है हमारा फोन ना थोड़ा बहुत हीट होगा। तो गाइस मैं आप सभी लोग को बता दूं, अगर आप GFX टूल अप्लाई करते हो और 60 FPS के लिए बोलते हो, मतलब उसमें सेट करते हो, तो आपका फोन पहले से थोड़ा हीट होगा यार, ये बात सच्चाई है, आपको अच्छी लगे चाहे जो भी है, बट इससे आपका फोन को कोई नुकसान नहीं होगा, खराब नहीं होगा यार। प्रोसेसर सारे ही हीट होते हैं, बट आपको खेलने में थोड़ा सा गरम गरम लगेगा फोन, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने देखा होगा आईफोन वगैरह ये सब भी बहुत गर्म हो जाते हैं, क्योंकि इनके प्रोसेसर बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और ये बहुत ज्यादा हीट खा जाते हैं। तो सेम यही करता है ग्राफिक्स टूल भी, प्रोसेसर को बहुत ज्यादा यूज में ले आता है, जिससे हमारी गेम जो है बहुत ज्यादा अच्छी चलने लग जाती है, बट फोन जो है थोड़ा बहुत हीट हो जाता है। तो गाइस यही कुछ रीजंस थे कि GFX टूल कैसे काम करता है, क्योंकि पिछले वीडियो में बहुत सारे बंदों ने बोला था इसे बैन हो जाता है, ये वो उल्टी सीधी चीज है, गेम कभी स्मूथ नहीं होता। तो भाई गेम स्मूथ होता है,
ठीक है, ये बात नोटिस रखना। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला जो वीडियो पसंद आया होगा, एंड पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, एंड कमेंट कर मुझे ये जरूर बताना कि इस सेटिंग्स को अप्लाई करने के बाद आपका गेम में जो इम्प्रूवनेस आई है, गेम पहले से स्मूथ हुआ या फिर नहीं हुआ। एंड जिन लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है, क्या कर रहे हो गाइज, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।